1980 के दशक के मध्य भाग में रामसे ब्रदर्स ने ए लिस्ट फिल्मी सितारों के साथ एक बड़े बजट की हॉरर फिल्म बनाने का प्रयास किया। भारतीय हॉरर फिल्म के मार्गदर्शक रामसे ब्रदर्स ने राजेश खन्ना और मंदाकिनी जैसे सुपरस्टार को बतौर हीरो और हीरोइन के रूप में कास्ट करते हुए हॉरर फिल्मों में बी ग्रेड सितारों को कास्ट करने के अपने पारंपरिक तरीके को तोड़ने की कोशिश किया। फिल्म का नाम था ओम। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बदौलत मंदाकिनी का स्टारडॉम एक अलग ऊंचाई पर था जब 1986 में फिल्म ओम का काम शुरू हुई थी। ये फिल्म एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म ओमन पर आधारित बताई जा रही है। सुनने में आया था कि अपने फिल्मी करियर के आखिरी दौर में देवानंद ने एक हॉरर फिल्म से वापसी करने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने रामसे ब्रदर्स से संपर्क किया। बॉलीवुड के दिग्गज देवानंद ओमन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामसे ब्रदर्स से इसी फिल्म का रीमेक बनाने का रिक्वेस्ट किया। जैसे जैसे फिल्म का कागजी काम आकार लेने लगा, देवानंद अलग कामों में व्यस्त होने लगे और उनके लिए इस फिल्म के लिए पर्याप्त तारीख या डेट्स नहीं थे और फिल्म पर काम ठप हो गया। कुछ साल बाद 1986 में ये फिल्म आखिरकार राजेश खन्ना के पास चली गई। राजेश खन्ना भी उन दिनों वापसी के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग भी राजेश खन्ना को हीरो बनाकर शुरू हो गई। राजेश खन्ना जो तब तक सुपरस्टार थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्थिति और हालात ऐसे हो गए कि राजेश खन्ना को भी इस फिल्म के लिए डेट्स निकालना मुश्किल हो गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती गई। इसके बाद स्थिति जटिल हो गई क्योंकि राजेश खन्ना फिल्मों को छोड़कर राजनीति में अधिक सक्रिय हो गए। अंत में हताश होकर रामसे ब्रदर्स ने 7 रीलों के शूटिंग के बावजूद पूरी फिल्म को शेल्व्ड या रद्द करने का फैसला किया और इस फिल्म से अपना फोकस शिफ्ट करके अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर केंद्रित कर दिए। फिल्म ओम में राजेश खन्ना और मंदाकिनी के अलावा अन्य कलाकार थे कबीर बेदी, प्रेम चोपड़ा, कुलभूषण खरबंदा, गुलशन ग्रोवर और अमजद खान। फेज 7 रील शायद आज भी रामसे ब्रदर्स के स्टूडियो में संरक्षित है। अगर इस फिल्म की ओरिजिनल रील या क्लिप कहीं तिजोरी में है तो बहुत अच्छा है, और कभी उसे प्रकाशित किया गया तो और अच्छा होगा।